जो खेड़ी मर्डर हुआ कल परसों, ही नकली पुलिस है ये, हमने पकड़ा तिलकपुरी गांव में, जो नकली पुलिस है। आ जाओ सारे नकली पुलिस। से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर तिलकपुरी गांव के पास ग्रामीणों ने कुछ फर्जी पुलिस वालों को पकड़ा है। ये फर्जी पुलिस वाले नकली पुलिस का भेष लेकर के मेवात क्षेत्र के गांवों में दबिश देते थे और वहां से युवाओं को पकड़ कर ले जाते थे। ये भाइयों, ये भाई नकली पुलिस, ये आदमियों को उठाते हैं और ये जुरेड़ा में, जुरेड़ा के पास जो खेड़ी में मर्डर हुआ है, ये बहन करोड़ा ऐसा नहीं करा, ये हमारी यहाँ की पुलिस को बदनाम करते हैं, लोकल पुलिस को बदनाम करते हैं, भरतपुर पुलिस को बदनाम करते हैं, और ये कोई, इसकी कोई ड्यूटी नहीं है हमारे राजस्थान के अंदर, और ये दिल्ली में बन रहा है, मेरी ड्यूटी दिल्ली में, यहाँ पुलिस पहले भी उठाए कर गए इन्होंने। दहशत की वजह से उनके परिजन, उनके परिवार वाले लाखों रुपए इनको देते थे और ये लाखों रुपए की फिरौती लेते थे छोड़ने के बदले में। इस तरीके की घटनाएं मेवात क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही थी, तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि उन पुरानी घटनाओं के पीछे कहीं इसी तरीके के किसी ग्रह का तो हाथ नहीं था। और जिस तरीके से कल खेडली नानू में जो घटना हुई जहां पर एक युवक को गोली लगने से मृत्यु हो गई, तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी ग्रह या इसी तरीके किसी ग्रह का ये हाथ हो सकता है। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इस ग्रह का कहां तक हाथ फैला हुआ था या ये कोई षड्यंत्र, ये षड्यंत्र कहां तक फैला हुआ था, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, V4 मेवात आप तक सच्ची और तेज तर्रार खबरें लाता रहेगा। धन्यवाद।